आजिया, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, आपको आवाज मिल रही है? दिवाली के कार्यक्रम से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? समझ से बाहर है। दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जन करते वक्त बहराइच में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? समझते परे है। राम भक्तों को के ऊपर शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने से, पत्थर जो बरसाते और शोभा यात्रा से क्या आपत्ति हो सकती है? समझ से परे है, लेकिन मेरी समझ से परे नहीं है। और एक बार फिर से भारत की राजधानी दिल्ली में और आतिशी मरलीन जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, जिनकी माँ अफजल गुरु के लिए आंसू बहाया करती थी, राष्ट्रपति भवन जाया करती थी, न्यायपालिका जाया करती थी, आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एक फिर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। और मंगलवार की रात को जब एबीवीपी के छात्र वहां पर दिवाली उत्सव मना रहे थे, तो फिर से एक बार दिवाली उत्सव को जिहाद का मैदान बना दिया गया। बहराइच में एक हरे झंडे को उतार करके भगवा झंडा लहराने पर 35 गोलियां दागी गई थी। अब बताइए कि अगर इन्हीं की जुबान इनको रिटर्न किया जाए, तो होलिका पर जो रंगोली बनी थी वो रंगोली पर लात मारने पर क्या सजा मिलनी चाहिए? दिवाली पर लात मार, दिवाली के दिए पर लात मारने की क्या सजा मिलनी चाहिए? और भारत में फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने पर क्या सजा मिलनी चाहिए? नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा देने पर क्या सजा मिलनी चाहिए? पाकिस्तान तो है ही मेरा भारत, संवैधानिक देश है मेरा भारत। अब बात आती है कि आखिर इनको ये फंडिंग कर कौन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी जमाते इस्लामी सलमान फजलुर रहमान के जरिए अमेरिकन डॉलर या बांग्लादेशी डॉलर भेजवा रहे हैं, या पाकिस्तान की कोई फंडिंग तो नहीं है? क्या अभी भी असदुद्दीन अवैसी रजाकार फौज पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? क्या उनके नेतृत्व में और उनके कहने पर ही ये मुसलमान मासूम बच्चे इनके बहकावे में आकर के भारत का विरोध कर रहे हैं और हिंदुओं के उत्सव को हमेशा जिहाद का आतंकी मैदान बनाने में कामयाब हो जाते हैं? क्या न्यूटन थर्ड लॉ हमें भी स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या जो चिश्तिया परिवार के जो बहुत बड़े एक बुजुर्ग ने बोला था बहराइच वाले मामले में कि ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का रिएक्शन है, तो मुझे जानना है कि राम गोपाल मिश्रा को जो रिएक्शन मिला था, क्या ये रिएक्शन यहाँ पर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान ना मानने की कसम मुसलमानों ने खाकर रखी है और 25 करोड़ के मुसलमान में से 20 करोड़ मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की रणनीति और पाकिस्तान के शरिया पर चलने के लिए सिर पकड़ चुके हैं। और कुछ मुसलमान समाज के इस्लामी ठेकेदारों ने जमाते इस्लामी और जैश मोहम्मद के हाथों हमारे युवा मासूम बच्चों को बेच डाला। ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब, सवाल वही है, दिवाली के कार्यक्रम से क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखो दीपावली एक त्यौहार है, उत्सव है, मनाया जाता है। जामिया भी जासे में पढ़ गया हूँ, जागरूसन कॉलेज में मनाया जाता है। तो त्यौहार को लेके आप कहो कि ये सब हुआ होगा, एपी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उन्हीं के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आपने जो दिखाया वीडियो में, आपका वीडियो पड़ी बारीकी से सुन रहा था मैं, कहीं नारे की आवाज़ नहीं आ रही थी। जो आपने दिखाया दिए तोड़ते हुए, फूल बिखरे हुए, जब पुराण त्यौहार खत्म होता है तो यही नजर आता है। ये फोटो ईपी ने जारी किए, ये ईपी ने जारी किए, वहां दो गुटों में झगड़े हुए, दो गुटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आरोप लगाए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। नाजिया जरा शांत हो जाइए, नाजिया जरा शांत हो जाइए, आपको आराम से सुना गया है, आपको सुना गया, आराम के साथ आराम से सुनिए। आपको बेवकूफी की बातें आप कर रही है, अभी बहुत सारी आपकी बेवकूफ की बात हमने सुनी है, आप तसल्ली से सुने हमारी बात को। जब आपका नंबर है बोलना, जब आपका नंबर है बोलना, कोई नहीं लोग आपको ठीक है, ठीक है, मुद्दे पे, मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करने दीजिए, हम शांत होकर सुने, बोलिए, शांत होकर सुने आप, बोलिए, मुद्दे पर, शांत होकर सुने आप, पहले शांत होकर सुने आप, पहले शांत होकर सुने आप, मुद्दे पर बोलिए ना, नहीं चुप करिए बैलून को, नहीं ठीक है, आप मुद्दे पर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, चुप करिए ना, हां बोलूंगा, ठीक है, शांत शांत है, आप मुद्दे पर रहिए, कोई बात नहीं, ठीक बोलिए। तो जिस तरीके से एपी ने वीडियो जारी किया, एपी का एपी ने सब कुछ कराया, ये कहा भारी लोग वीडियो जारी करते जिस तरीके से उन्होंने कहा वो सेम अच्छा लगता। लोग आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, जरा सी घटना होती है मोबाइल बन जाती, मोबाइल पे वीडियो बन जाती है। वो घटना जारी नहीं की उन्होंने, उन्होंने जारी किया, दो गुटों में झगड़ा हुआ
और झगड़े के बाद ये सब किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो सोच ये हर तरीके सांप्रदायिक रंग देना, ना जाने किस बात को लेके उनकी नैतिकता हुई है। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट विंग जो बीजेपी की है एबीवीपी, ये सब कुछ उसका किया धरा है, एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कह रहा हुआ होगा झगड़ा हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, लेकिन झगड़े को सांप्रदायिक रूप देना ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति और सोच है। आप वहां पर जिन लोगों ने अगर आरोप लगे हैं कि रंगोली मिटाई दियों पर पैर रख दिया, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। मैं कह रहा वीडियो में आप भी दिखाते ना, चलता मैं भी। मैं भाई देखिए हमारे पास घटना के जितने वीडियो है हमने रखे, हम ये दावा इन वीडियो के आधार पर नहीं कर सकते कि सारी चीजें हमारे पास आ गई होंगी। सारी चीजें घटना जो है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई होगी, ऐसी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। तो गारंटी हो, जब भारतीय जनता पार्टी विंग किसी पे आरोप लगा रहा है तो कम से कम ये वीडियो तो जारी करे, ये वीडियो है, ये वीडियो चैनलों को दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मिटी हुई रंगोलियां तो नजर आई है। जब त्यौहार खत्म होता है, मैं जवाब दे रहा हूँ, जब त्यौहार खत्म होता है घर के बाहर फूल भी होते हैं। मैं शुरू से ऐसे मौन में रहा और आज भी रहता हूँ। ये कह रहे हैं कि एकदम दिवाली का कार्यक्रम खत्म होते तुरंत रंगोलियां मिटा दी गई। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप रंगोली पुराना मतलब भीड़ होती है, यूनिवर्सिटी है, नहीं भीड़ होती है लेकिन रंगोली के ऊपर फिर भी कोई, रंगोली पर पैर फिर भी कोई नहीं रखता। अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था, नहीं तो रिपीट करके देखा, एक रंगोली पूरी बनी हुई है, एक रंगोली खत्म है। ठीक, आप कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन सांप्रदायिक रंग देने का काम एबीवीपी ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसने किया।